अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा एट पाकिस्तान। आज हम आपके पास एक स्पेशल प्रोग्राम लेके आए हैं। आपको मालूम है जैसे कि पाकिस्तान में इस वक्त एक केयरटेकर गवर्नमेंट है, लेकिन बड़ी दिलचस्प चीज़ है इस केयरटेकर गवर्नमेंट की कि ये केयरटेकर है लेकिन ये बहुत ही तेज़ी से बहुत से काम कर रही है, और उसका भी एक पस मंज़र ये है कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। मेरे भांजे ने मुझे कहा कि जी ये पाकिस्तान की नई कॉन्स्टिट्यूशन है, तो शायद वो ठीक कह रहे थे, क्योंकि इन अ सेंस जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक इस वक्त एक क्राइसिस है और बहुत सीरियस क्राइसिस है, उसको बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए ये भी कहते चलें कि पाकिस्तान की आर्मी ने इस पर बहुत महीनों से काम करना शुरू किया था, अगर हम कई सालों से तो शायद एक दो साल से, इट मे नॉट बी इनकरेक्ट। तो उसको अब लेकर के पहले हमने देखा पिछली गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया, जिसमें कि मिलिट्री की काफ़ी रिप्रेजेंटेशन है, नेशनल कोऑर्डिनेटर SIFC के मिलिट्री के जनरल हैं, और फिर इम्प्लीमेंटेशन लेवल हर लेवल पे प्रेजेंस है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ इसमें एज अ स्पेशल गेस्ट आते हैं। इन सब तफसील पर बात करेंगे कि ये कहाँ बात जा रही है, और ये भी कहते चलें कि जो पाकिस्तान का इस वक्त पॉलिटिकल मामलात हैं वो भी बहुत हद तक अब कोर्ट्स की तरफ चले गए हैं, वो भी किस हद तक गवर्नमेंट्स के पास हैं, दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। हमने आज दावत दी और रिक्वेस्ट किया केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकर साहब को, एंड वी आर ग्लैड कि वो हमारे साथ हैं, और बड़ी खरी खरी ये बात करते हैं, हम खरे खरे सवाल करेंगे और खरे खरे आपसे जवाब लेंगे। वेलकम टू द शो, बहुत शुक्रिया काकर साहब आप। थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी अच्छा, ये बताइएगा कि लेट्स स्टार्ट विद SIFC। हमने देखा अपने इंटरव्यूज में और बात की कि जो पाकिस्तान की आर्मी है वो इंटरफेयर नहीं करती गवर्नमेंट में, और मुझे स्पेस दी हुई है, तो मेरा ख्याल है जो हमें दिखाई देता है बाहर बैठ के वो एक बड़ा जॉइंट एफर्ट है ये जो गवर्नमेंट जिस तरीके से चल रही है। और SIFC ये दुरुस्त है कहना कि इस वक्त इन अ सेंस ये दिस इज द फल्क्रम, दिस इज द पिवट अराउंड विच ये इससे वाबस्ता है बड़ी उम्मीदें कि मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। देखिए आप बिल्कुल दुरुस्त इसको इंटरप्रिटेशन इसकी कर रही हैं और उसको दुरुस्त कॉन्टेक्स्ट में भी समझ रही हैं। जो हमारी इल गवर्नेंस की रीजंस थी वो आपको पता है कि सोसाइटी में डिफरेंट फोरम, पॉलिटिकल फोरम पे, इंटेलिजेंशिया में, मीडिया में संजीदगी से दो तीन दिहाइयों से डिबेट हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि SIFC में वो जो इल गवर्नेंस थी इसको अप्रोप्रिएट गवर्नेंस, क्योंकि गुड गवर्नेंस इतना ज़्यादा एक क्लिशे बनता गया है, तो मैं उसको थोड़ा सा मुख्तलिफ करके पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अप्रोप्रिएट गवर्नेंस की एक अटेम्प्ट है। मुख्तलिफ जो सिविल इंस्टीट्यूशंस थे जहाँ पे एक लेग्जिटी थी टू वर्क फॉर डिफरेंट रीजंस, समटाइम वेरी राइट रीजंस एंड समटाइम नॉट दैट राइट रीजंस, उनको एड्रेस करने की कोशिश की गई है, और उसमें जो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ मिलिट्री की है उसने जेल इन कर दिया। अच्छा, उसके जेल इन से जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट कर गया। हमारे जो सिविल सर्वेंट्स है उसमें मुझे एक रेजुनेटेड एनर्जी नज़र आ रही है, लोगों में काम करने की जो है ना वो एक नई स्पिरिट नज़र आ रही है, और बहुत ज़्यादा लोग फोर्थकमिंग है। तो मुझे खुद और हमारी पूरी कैबिनेट को भी ये जो जॉइंट मैकेनिज्म है इससे काफ़ी हद तक उम्मीद है कि जो इकोनॉमिक वूज हैं उसमें जो बेसिक इंटरवेंशंस करने की ज़रूरत है वो शायद हम अपने स्टेंट में करवाने में कामयाब हो। ठीक है प्राइम साहब, इसमें बहुत से क्लेम्स हुए हैं, बहुत बड़े बड़े दावे किए गए हैं SIFC के प्लेटफॉर्म से इसके हवाले से, तो हम आपसे कुछ सीधा सीधा सवाल करेंगे ताकि लोगों को जवाब मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम बॉर्डर कंट्रोल्स पर आते हैं। देखिए 200-250 मिलियन डॉलर महीने का निकलता है यहाँ से अफगानिस्तान जाते हैं, आप कंट्रोल जब किए। अच्छा, और स्मगलिंग का जो मामला है आप जानते हैं हमसे बेहतर कि ये दो तीन दिहाई पुराना मामला है, और बहुत मर्तबा जो एफर्ट जैसे अब बात हो रही है पहले भी हुई कि जी इसको कंट्रोल करते हैं, डॉलर की कीमत नीचे चली गई है क्योंकि कंट्रोल हुआ है। ये बताएं नाजरीन को कि हम ये किस तरीके से हमें ये कॉन्फिडेंस हो कि ये जो कंट्रोल हुआ है कल ये फिर पलट नहीं जाएगा, क्योंकि होता रहना इन द पास्ट। देखिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बड़े स्क्यूड और डिस्टॉर्टेड व्यूज़ जो है ना वो मेन स्ट्रीम में फैलाए गए। मिसाल के तौर पे
बलूचिस्तान को लेके कहा गया कि जी वहाँ पे चूंकि इंडस्ट्री नहीं है, चूंकि वहाँ पे ज़राअत नहीं है, तो वहाँ के जो बॉर्डर एरिया के नौजवान हैं उनको रोज़गार फराहम करने के लिए आप एक ब्लाइंड आई टर्न कर लें और एक लीनियंसी की अप्रोच इख्तियार कर लें, जिसके तहत ये डिजीज्ड हुआ हमारी पूरी इकोनॉमिक हेल्थ। वो गुड्स जो वहाँ पे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एक्चुअली गुड इंटेंशन के तहत इनिशिएट किए गए थे, वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स तक तो नहीं रह सके, बल्कि धीर और चित्राल और एबटाबाद तक उनके इम्प्लिकेशंस और असरात। अच्छा, वो असरात और इम्प्लिकेशंस के नतीजे में किसी के पास ये डाटा नहीं था कि ये हमारे टैक्सेशन का कैसा है निज़ाम को बुरी तरीके से मुतासर कर रहा है, ये हमारे ओवरऑल इम्पोर्ट पॉलिसीज़ को कैसे अफेक्ट कर रहा है, और जो इकोनॉमिक हेल्थ है उसकी मैनेजमेंट पे इसके क्या इम्पैक्ट आ रहा है। इस मरतबा मैं समझता हूँ जो करंट मिलिट्री लीडरशिप है, केयर टेकर गवर्नमेंट है, उनको दो तीन चीज़ों की सेंक्टिटी पे बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। उनकी डिजिटल स्पेस की बाउंड्रीज हैं, उनकी फिजिकल स्पेस की बाउंड्रीज हैं, स्टेट की एयर स्पेस की बाउंड्रीज हैं, इनको सैक्रोसेंक्ट जो समझना था बदकिस्मती से माजी में, उस पे नरमी इख्तियार की गई। इस मरतबा मैं समझता हूँ कि इसको बहुत वजाहत के साथ आर्टिकुलेट किया गया है, चाहे हमारा अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है, चाहे हमारा ईरान के साथ बॉर्डर है, मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स दैट हैज़ टू बी रेगुलेटेड। जी, ये मैं कहना चाहूँगी प्राइम मिनिस्टर साहब के, ये आप भी जानते हैं, आपने पोलिटिकल साइंस पढ़ी, यू रेड हिस्ट्री ऑल्सो, हम भी थोड़ा सा जानते हैं, ये पहली मरतबा नहीं है। देखिए ना, मैंने तो आधा दर्जन मरतबा देखा है पाकिस्तान की तारीख में कहा गया, और ये बॉर्डर ये स्टेट का या इंस्टीट्यूशन का बॉर्डर नहीं, ये तो पाकिस्तान का बॉर्डर है, पाकिस्तान की स्पेस है, तो उस स्पेस को सैक्रोसैंक्ट बनाना क्रिटिकल है। तो देखिए ना, बॉर्डर पे कौन होता है? बॉर्डर पे आपकी NLC होती है, बॉर्डर पे आपके जवान होते हैं, बॉर्डर पे आपकी FC होती है, बॉर्डर पे आपके कस्टम्स होते हैं। तो ये बॉर्डर्स को इन्हीं तो ऑर्गेनाइजेशंस ने, ये तो नहीं कि एक सिविलियन ने जाके डिफेंड करना है, तो ये नहीं हुआ ना इन द पास्ट। मुझे ये बताइएगा, नाज़रीन को ये बताएं कि इस मरतबा, क्योंकि एक्शन हुआ है देयर इज नो डाउट, तो किस तरह हमें ये तसल्ली हो कि ये एक्शन रहेगा? देखिए, मैंने आपको दोबारा मुतवाना अंदाज में गुजारिश कर रहा हूँ कि जो सीनियर मोस्ट लेवल है उसमें जो क्लैरिटी ऑफ थॉट है वो ट्रांसलेट हो रहा है। अब वो जो जवान वहाँ पर बॉर्डर पे खड़ा है उसको पता है कि मेरी जो लीडरशिप है मिलिट्री की, स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ, वो इसको सैक्रोसेंक्ट जानते भी हैं, मानते भी हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी करा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत स्विफ्टली इसके इम्पैक्ट नजर आने शुरू हो विद इन 72 आवर्स, 48 आवर्स। सो इट वॉज अ मैटर ऑफ कि वी शुडन विदर, इनडिसाइसिवनेस जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। और मुझे ये उम्मीद है कि ये जो डिसाइसिव अंदाज है इसमें कंटिन्यूएशन जो है ना, दैट वुड बी द की, एंड आई होप दैट वी कैन अचीव। देखिए, मेरा ख्याल है ये तो एक हिस्ट्री मेकिंग इवेंट था कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ दो दिन, यानी कि पता नहीं 15 घंटे 18 घंटे दो दिन रहे SIFC में। लोग कहेंगे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है या नहीं आर्मी का, इमरान खान साहब ने भी डेवलपमेंट काउंसिल में उनको शामिल किया, शहबाज शरीफ साहब ने भी, तो वो तो अब एक और डिबेट है, लेकिन फॉर ऑब्वियसली एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल दिया, तो इट इज़ हिस्ट्री, आई थिंक इट इज़ हिस्ट्री मेकिंग। बट द क्वेश्चन इज़ कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस पे लोग सवाल उठाते हैं कि जी, जो इकोनॉमिक आपकी एक निगोसिएशंस आपने करनी है, जो ये मामलात आगे बढ़ाने, क्या ये कैपेसिटी है गवर्नमेंट में और फौज में टू हैंडल दैट? मतलब जब आप बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तो SIFC का जो फोरम है उसके पीछे स्टैट्यूटरी पावर्स हैं, तो ऑफ कोर्स इट्स लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है। अच्छा, हैविंग सेड दिस, इसका जो मैकेनिज्म है, जो बिजनेस मॉडल है या जो कॉर्पोरेट मॉडल है, वो जो बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं जिसमें फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की ड्यू डिलिजेंस का जो प्रोसेस है वो पूरा होना है, जो मुख्तलिफ फाइनेंशियल सेक्टर के बेस्ट ब्रेन्स अवेलेबल हैं जिनको वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन हासिल है,
उनकी इनपुट इसमें शामिल है, जहां है इनपुट बताएंगे नाज़रीन को कि मसलन आईएफसी इसमें इन्वॉल्व है नहीं है उसमें, उसमें फॉर इंस्टेंस जिस तरह हमारे माइनिंग के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जो हम ड्यू डिलिजेंस की जो बात कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं उनकी तरफ से भी, जो डोमेस्टिक इक्विटी उन्होंने पेश करनी है उनकी तरफ से, इंगेजमेंट रखी गई है इन फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की, जिन्होंने मुख्तलिफ जो दुनिया में मॉडल्स चल रहे हैं, चाहे वो साउथ अमेरिका में चल रहा है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, कनाडा में चल रहा है, उसको बुनियाद बना के ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनकी मॉडलिंग करनी है, और फिर उस मॉडलिंग के तहत ये निगोसिएशन होंगे और ये फाइनल रियलाइजेशन की तरफ जाए। तो आप फरमा रहे हैं कि ये बेस्ट ब्रेन्स वगैरह आपके पास कंसल्टेंट्स हैं, आपके पास आईएफसी इसमें प्राइवेट सेक्टर के, जी प्राइवेट सेक्टर, दे आर नॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। जी तो अगर ये सब कुछ है तो ये सवाल क्यों उठते हैं कि जी किसी को क्या पता कैसे करें, तो व्हाई इज देयर अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन? देखें लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी है एंड प्लस टाइमिंग्स, ये तमाम प्रोसेस जो है जाहिर है इसकी जो एक बिजनेस सेंस है वो भी मौजूद होनी है, और बहुत सारे जगहों पे आप इंफॉर्मेशन को डाइवर्ज करके बिजनेसेस को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। वंस दे आर इनटू द फाइनल स्टेजेस फॉर द रियलाइजेशन तो देन इट वुड बी द टाइम टू ओपन अप के कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी इनपुट्स ली गई और ये कैसे फॉर्मुलेशन की तरफ गए। जी बट जो एक ओवरसीज और जो जैसे आईएफसी इज इन्वॉल्वड, दिस इज नॉट अ सीक्रेट, आई मीन ये तो इसमें 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 जो वेबसाइट है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें सब कुछ, उसमें ये तमाम चीजें मौजूद हैं, इन लोगों ने कि ये एक्सपर्टीज है और ये उस वेबसाइट में मौजूद है। जी अच्छा, ये फिर एक और भी सवाल उठता है कि जी जैसे पाकिस्तान सॉवरेन फंड बना, इसमें आप ये जो तमाम ओजीडी सीपीपीएल वगैरह इस पर बात हो रही है कि जी इसमें इन्वेस्ट करेंगे जो मुख्तलिफ ममालिक हैं, तो ये आपने भी सुना होगा ये सवाल उठता है कि जी पाकिस्तान अपना जो पाकिस्तान जो फैमिली सिल्वर है वो कौड़ियों के दाम बेच देगा, तो ये क्या बात है, तो उसका ज़रा एड्रेस कीजिए उसे। अच्छा देखें जी, इसमें जितनी भी गुफ्तगु होती है एट टाइम्स कुछ तो इन्फॉर्म्ड डिस्कोर्स का हिस्सा होता है और कुछ जो है ना बिल्कुल एक लेमन अप्रोच के तहत जो है ना एक रेट्रिक क्रिएट किया जाता है और एक मखसूस बयानिया का अंदाज शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। जो इन्फॉर्म्ड डिस्कोर्स है ना उसमें हमेशा दो साइड की आर्गुमेंट्स, इसलिए आपसे पूछ रहे थे क्या दोनों साइड्स की आर्गुमेंट्स मौजूद हैं। हमने इसमें टास्क फोर्सेस की फॉर्मेशन की है और इसमें हमने इंटर मिनिस्टेरियल कॉन्स्टिट्यूशन उसकी की है ताकि हर तरफ का पर्सपेक्टिव उसमें आए और ड्यू डिलीजेंस दोबारा मैं अर्ज करूंगा उसके तहत करके एंड वी विल मल ओवर इट और जो भी डिसीजन होगा विद द बेस्ट पॉसिबल इंटेंशन। स्टिल ह्यूमन एरर इज देयर, हो सकता है हमसे गलती हो जाए लेकिन हमारी जो बदनीयती है वो इंशाल्लाह दिखाई नहीं देगी। तो आप कह रहे हैं अभी दिस इज वर्क इन प्रोग्रेस, इन द प्रोसेस और उसकी डेवलपमेंट हो ठीक है। और टास्क फोर्सेस में आपने लोकल एक्सपर्ट्स, हम नहीं उसमें दोनों हैं, लोकल एक्सपर्ट्स भी हैं, उसमें हमने प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड किया हुआ है। फॉर इंस्टेंस एनर्जी की टास्क फोर्स है, प्राइवेटाइजेशन की टास्क फोर्स है, उसमें हम मार्केट से भी इनपुट ले रहे हैं, जो स्टेट पर्सपेक्टिव है, सिविल सर्वेंट्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से उनकी भी इनपुट आएगी। तो यू वुड सी और द रेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान वुड सी कि एक बहुत ही पार्टिसिपेटरी अप्रोच आपको इसमें नजर। अच्छा तो ये बताइए, अब टास्क फोर्स बनी है और हमें कराची में हमने बिजनेसमैन से बात की जिनको आर्मी चीफ मिले, उन्होंने कहा कि जो उन्होंने कहा हमने टास्क फोर्स बनाई, तो इन्होंने कहा कि जी हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारी भी रिप्रेजेंटेशन हो। अब टास्क फोर्स कोई सीक्रेट तो डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता, तो उनके नाम क्यों नहीं है बाहर लोगों के पास? आई मीन व्हाई इज द नेम्स ऑफ दोज हु आर इन द टास्क फोर्स मेंट टास्क फोर्सेस, टास्क फोर्सेस की नोटिफिकेशन को सिर्फ और सिर्फ इसलिए रोका गया है कि आपको पता है कि इवन बिजनेस सेक्टर में डिफरेंट पीपल आर जॉकिंग के वो उसमें होने चाहिए। अब उसमें हमने थोड़ा सा एक हफ्ते दस दिन का ये बट यू विल नोटिफाई, ऑफ कोर्स वी विल नोटिफाई। ठीक है जी। अच्छा अब ये थोड़ा टाइम लाइन पे आ जाते हैं, ये बताइएगा कि जो प्राइवेटाइजेशन की और प्राइवेटाइजेशन करते हुए जो SOEs हैं स्टेट ओन एंटरप्राइज, उसमें तो कुछ दहाई गुजर गई हैं, कुछ डेकेड्स तो गुजर गए ना। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ देम, आई हैव हर्ड ऑफ देम, आई एम मच ओल्डर टू यू, लेकिन अब मुझे ये बताएं कि
जब आप कह रहे हैं SOEs को हम जो खास तौर पे जो ब्लीडिंग SOEs हैं, कोई टाइमलाइन बताएं, कुछ बताएं। देखें, हम इस सिलसिले में प्राइवेटाइजेशन में का जो प्रोसेस है, एक तो हम कोशिश करेंगे पाकिस्तान में एक इंतहाई या रिलेटिवली एक कॉम्पिटेंट लीडरशिप उसको प्रोवाइड की जाए जो इस प्रोसेस को लीड करे। हैविंग सेड दिस, ये लेट से कि PIA है, SOEs में स्टील मिल है, डिस्कोज हैं, इन तमाम की एक तो टाइमलाइन ऑफ कोर्स इज अ बिग चैलेंज। डिस्कोज के लिए हमारे पास ये ऑप्शन है कि या उनको प्रोविंशलाइज कर दिया जाए या प्राइवेटाइज कर दिया जाए। हमने एक टारगेट तो इनको ये दिया हुआ है टाइमलाइन का कि एज सून एज पॉसिबल। व्हेन आई से एज सून एज पॉसिबल, आपको पता है कि जो ब्यूरोक्रेटिक पेस है, जो काम 6 महीने में होना है वो उसके लिए साल का बताएंगे, जो साल का है उसके लिए 2 बताएंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड हमने SIFC के ही प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए इसको हम स्पीड अप करना चाह रहे हैं। लेकिन कुछ तो आपको बताना होगा अंदाजन टाइमलाइन, बिकॉज अदरवाइज प्राइम मिनिस्टर ये तो फिर वैसी बात है जैसे हम 20 साल से सुन रहे हैं। मुझे जितनी भी टेम्पटेशन होगी मैं उसको अवॉइड इसलिए करूंगा कि नहीं चाहता हूं कि मुझे टाइमलाइन के हवाले से कोई हॉन्ट किया जाए। जो मैं आपकी नाजरीन के इत्मीनान के लिए बता सकता हूं वो यही है कि बाय द एंड ऑफ जनवरी आपको इसकी इंशाल्लाह कोई ना कोई रिफ्लेक्शन जरूर नजर आनी शुरू हो जाएगी, एंड यू विल सी अ क्लियर डायरेक्शन। बाय यू आई मीन योर ऑडियंस विल क्लियरली सी अ डायरेक्शन इन विच वी आर मूविंग। जी, क्योंकि हम आपको हाउंड नहीं कर रहे विद टाइमलाइन, लेकिन हम हाउंड हुए हैं ओवर द लास्ट 3 decades सुनते सुनते कि अभी शुरू है जी, अभी ये कर रहे हैं हमने PIA के लिए, ये आप जानते हैं। आई एग्री, आई मीन आई रिस्पेक्ट यू एज अ वेरी सोबर एंड सीजन्ड जर्नलिस्ट, लेकिन आपको पता है कि हम जिस सोशल डिजिटल स्पेस में सर्वाइव कर रहे हैं वहां भी ये तमाम चीजें जुड़ी हुई हैं। हम विल वेट टिल एंड ऑफ जनवरी इंशाल्लाह के। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी पे हमने ये सुना कि एट एवरी लेवल ये कहा गया कि ब्यूरोक्रेसी को हर सूरत पे इट विल हैव टू वर्क फॉर पाकिस्तान, नॉट अगेंस्ट पाकिस्तान। एक तो खैर हमें लगता है ब्यूरोक्रेसी के साथ थोड़ी ज्यादा भी है, अच्छे भी बहुत लोग हैं। बात यह है कि क्या डंडा ब्यूरोक्रेसी को तेजी पे चलाएगा, क्योंकि या तो हम कहें कि ब्यूरोक्रेसी सब जो एग्जिस्टिंग रूल्स के खिलाफ चल रही है, क्योंकि अगर रूल्स वही हैं जो वो फॉलो कर रही है तो फिर ब्यूरोक्रेसी में तेजी आएगी अगर आप रूल्स बदलेंगे, इस पे कुछ बताइए। इसमें दोनों चीजें, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में बहुत ही आउटस्टैंडिंग सिविल सर्वेंट्स प्रोड्यूस किए, ऐसा नहीं है कि तमाम के तमाम ब्यूरोक्रेट्स जो थे वो पाकिस्तान की तबाही की वजह थे। पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन जो 70 साल की अगर हम देख लें, उसकी जो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स है या नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट को एज अ प्रोजेक्ट भी अगर आप लें, सिविल सर्विसेज का या ब्यूरोक्रेसी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। एक्सक्यूज मी, कायदे आज़म ने भी ये फरमाया था कि जो स्ट्रक्चर है एडमिनिस्ट्रेटिव दैट विल डिटरमाइन वेयर दिस कंट्री इज गोइंग। आई मीन ही वाज सो प्रेसिएंट एंड वी एब्सोल्युटली एग्री विद कायद विजन, और इन फैक्ट उसमें जो मेरे ख्याल में मिसिंग लिंक था जो उनकी लीडरशिप थी जो वो प्रोवाइड कर रहे थे उन सिविल सर्वेंट्स को टू प्रोवाइड द इंस्पिरेशन, लेटर ऑन शायद उसमें थोड़ी सी उस इंस्पिरेशन में ग्रेजुअल कमी आई। अब उस कमी को हम सिर्फ सिविल सर्विसेज की इनकॉम्पिटेंस के साथ इक्वेट नहीं कर सकते। सो सिविल सर्विसेज की अपनी डेफिशिएंसीज और जो लीडरशिप ने इंस्पिरेशन प्रोवाइड करी थी उसकी डेफिशिएंसी, जी बिल्कुल, सिविल और मिलिट्री दोनों ने हाईजैक, दोनों ने, उन दोनों की जो कमी थी उसकी वजह से आपका जो ओवरऑल गवर्नेंस स्ट्रक्चर था वो डिटेरियरेट होता गया। हम जो छोटी सी कोशिश करेंगे वो यही करेंगे जो इस वक्त हमारी मिलिट्री लीडरशिप के साथ भी यही कम्युनिकेट हो रहा है कि वी नीड टू लीड बाय एग्जांपल। अगर हम खुद एग्जांपल के तौर पे लीड करें तो जहां जहां एग्जिस्टिंग रूल्स हैं बहुत सारे बेहतर रूल्स हैं, इशू उनकी इम्प्लीमेंटेशन में आता है। पाकिस्तान में लॉज एग्जिस्ट करते हैं, रूल्स ऑफ बिजनेस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं करता। इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने जो
एडमिनिस्ट्रेटिव लेग्जिटी है उसको कन्वर्ट करना है एजिलिटी में, और उसके लिए जो पर्सनल एग्जांपल्स हैं वो सेट करनी। अच्छा, तो इसका मतलब कोई अभी एज सच रिफॉर्म नहीं, यानी कि जो इतनी इतनी मोटी मोटी रिफॉर्म की जो डिस्क्रिप्शंस हैं, यू डोंट थिंक दैट यू नो देयर इज नो पार्लियामेंट एट द टाइम, बाय पार्लियामेंट आई मीन नेशनल असेंबली। ठीक है, बिल्कुल। उसका जो दूसरा विंग है सेनेट एग्जिस्ट तो कर रहा है, so of course we cannot go into the legislative business. ठीक है, तो you'll wait, नहीं naturally, तो आप wait करेंगे जब तक कि आप जाएंगे नहीं, कोई और नहीं आएगा। नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं, of course काम है वो। जी जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर स्पेसिफिक बात करेंगे मुमालिक के बारे में, एंड सो ऑन सो फोर्थ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ केटे के प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब तशरीफ़ रखते हैं। जी अच्छा, प्राइम साहब ये बताइएगा कि थोड़ा सा गोइंग टू स्पेसिफिक कंट्रीज़, सऊदी अरेबिया में आर्मी चीफ हैज़ बीन कोटेड वाइडली कि उन्होंने फरमाया कि 10 बिलियन डिपॉजिट सऊदी अरेबिया ने उनसे वादा किए, MBS ने वादा किया है, जो उनके क्राउन प्रिंस है। तो ये इज दिस कमिंग एनी टाइम सून, डू वी हैव एनी आइडिया? We are quite sanguine about Saudi Arabia particularly, and Mohammed bin Salman, His Highness, unke jo army chief ke saath earlier negotiations hui hain, guftushanid hui hai, we are very optimistic about that. Along with the rest of the GCC also. ठीक है, तो ये क्राउन प्रिंस पाकिस्तान आ रहे हैं या अभी प्लान है या होना है या क्या? जी जी, ऑफ कोर्स इट इज इन द प्लान। दोनों साइड्स जो है ना वो ये कोशिश कर रही हैं कि कोई ऐसे वक्त का तायुन किया जाए जिसमें स्पैन भी लंबा हो और कुछ हमारी तरफ से भी ज़्यादा तैयारी हो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स, और उसको फुली पॉजिटिवली एक्सप्लॉइट किया जाए। वो आ रहे हैं पहले या आप जा रहे हैं पहले? सरे 10 तो मेरे ख्याल में अभी तक मैं इस पोजीशन में नहीं। आपके जाने का भी था कुछ? जी मैं UNGA जा रहा हूँ। नहीं वो तो जी वो भी उस पर बात करेंगे। अच्छा तो ये बताइए कि रिफाइनरी जो थी, जो सऊदीज ने कहा था वो इमरान खान साहब के ज़माने से बात उस पर हो रही है, तो उस पर कुछ एनी फर्दर एडवांस या उसका इंतज़ार है? उसकी काफ़ी एडवांस कम्युनिकेशन दोनों साइड से चल रही है। हमारी तरफ से जो एक कंसोर्शियम है OGDCL, PPL एंड द रेस्ट अलॉन्ग विद RAMCO, और उसमें जितनी भी निगोसिएशन हो रही है ना, दैट इज़ प्योरली इन द बिजनेस सेंस ऑफ निगोसिएशन। तो वो सूनर और लेटर मेरे ख्याल में ये भी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो रियलाइजेशन की तरफ जा रहा है। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा कि UAE का जहाँ तक ताल्लुक है, वो टर्मिनल्स उन्होंने लिए कराची पोर्टस में, उनको हमने भी rented them out, anything more specific coming from the UAE in terms of investment वगैरह? मेरे ख्याल में वो भी माइंस एंड मिनरल्स की तरफ, ठीक, उनके भी देयर इज अ पॉन्शन, उनका भी एक झुकाव उस तरफ है, इंक्लिनेशन मौजूद है, और उस एरिया में देखें आने वाले जो ग्लोबल मार्केट है, मेरे ख्याल में उसमें कॉपर की प्राइसेस इन कमिंग डेकेड्स और सो वो एंटिसिपेट की जा रही है कि काफ़ी बढ़ेंगी और बहुत सारे प्रोडक्ट्स में उसका इस्तेमाल होगा। उस वजह से एक रिन्यूड इंटरेस्ट मौजूद है बलूचिस्तान और पाकिस्तान के माइनिंग सेक्टर में। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा कि जो टर्मिनल्स की बात है, वो दे आर गोइंग टू बी सर्विसिंग द टर्मिनल्स फॉर अस, बट एक जो 2U और 2I जो एक उनकी सेटअप है, एक बॉडी जिसमें कि यूनाइटेड स्टेट्स और UAE एंड इंडिया एंड इसराइल, दे उन्होंने बड़े क्लोजली इकोनॉमिक उनकी कोऑपरेशन वगैरह होगी, तो उसका कोई असर होगा पाकिस्तान की अपनी पॉलिसीज? ऑब्वियसली डोंट सिंक्रोनाइज विद दैट अप्रोच। देखिए जी, मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान में एक हम पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर से कोल्ड वॉर की कल्मिनेशन तक और फिर पोस्ट कोल्ड वॉर से एक नए ग्लोबल कॉन्टेस्ट को पूरे एनवायरनमेंट को देख रहे हैं, उसमें स्ट्रेटेजिक पोजिशन ऑफ द मिडल ईस्ट हैज़ ऑल्सो मॉफ्ड, और यू डू नॉट सी द सेम काइंड ऑफ
relationship within the larger Middle East and North Africa. उसके असरात पाकिस्तान पे भी यकीनन होते हैं और होने चाहिए भी हैं, लेकिन सेंटर ऑफ पाकिस्तान्स मेजर ड्राइव इज नाउ जियो इकोनॉमिक्स अलोंग विद अलोंग विद आर कोर स्ट्रेटेजिक इश्यूज. हम उसमें विजिलेंट हैं, हम रीजन में जितने भी चेंजेस हैं उसको ऑब्जर्वेंट हैं, और एट टाइम्स कुछ के मुतालिक तो हम एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस करते हैं और कुछ के लिए हम ठीक है, बट वी आर माइंडफुल, वी आर माइंडफुल, और हम सोच समझ के खामोशी इख्तियार कर लेते हैं. ठीक है, ओके, वी आर माइंडफुल. अच्छा, ये बताइएगा थोड़ा सा अगर इस पर, एक तो ये बहुत SIFC के हवाले से जो गुफ्तगू हो रही है अभी पब्लिक में आ रही है, तो जो लोग इकोनॉमी को समझते हैं और मामलात को, वो कहते हैं कि जी इन्वेस्टमेंट जो कि यहाँ एक्सपोर्ट को बढ़ाए, जो लोगों को नौकरियाँ दिलवाए, और जो टेक्नोलॉजी में आगे डेवलपमेंट हो, टेक्नोलॉजी की प्रमोट करे, तो ये तीन मामलात ज़रूर होने चाहिए. और कहा यह जाता है कि SIFC पे जो अभी गुफ्तगू हो रही है वो इट डजेंट सीम टू एड्रेस दीज थ्री इशूज. अच्छा, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा प्री मेच्योर कॉमेंट है. वजह उसकी ये है कि जो एग्रीकल्चर का इनिशिएटिव है उसको किसी ने माइन्यूटली इस तरह एग्जामिन किया है तो फिर उसको डिटरमिन कर सकें. उसमें लेट से जो पर एक्टर वाटर कंजम्पशन है उस पर बड़ा काम हो रहा है, जिसके वाले से टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र की बात है, जो सीड्स की क्वालिटी है उसमें टेक्नोलॉजी की ट्रांसफ़र की बात है, जो ओवरऑल पैकेजिंग है, कितने लोग इस इंडस्ट्री से वाबस्ता होंगे, इसकी किसी को पास स्टैटिस्टिकल डाटा नहीं है मौजूद. लेकिन एक जनरल सिनिक व्यू बाज़ोकात लिया जाता है. बहरहाल सिनिसिज्म भी मेरे ख्याल में वो भी क्रिटिसिज्म का हिस्सा होता है, उसको भी साथ रखना चाहिए. लेकिन अगर वो इन्फॉर्म्ड क्रिटिसिज्म होगा उसका फायदा होगा, अगर इल इन्फॉर्म्ड होगा तो इतना फायदा नहीं होगा. जी, मकसद यही है कि इन्फॉर्मेशन बाहर क्यों नहीं जा रही. आई मीन आई थिंक देर इज एक तो है ना कि आपका जी सीक्रेट जो है वो तो समझ आती है, लेकिन नन ऑफ दिस इज सीक्रेट नॉट एट ऑल. तो फिर देर इज ऑल्सो एन इशू अबाउट इन्फॉर्मेशन. SIFC में अगर इतनी चीजें हो रही हैं, देर आर सिनिक्स ऑफ कोर्स जो कहते हैं ये दिस विल गो नोवेयर, हमेशा ऐसी बातें होती हैं कहीं नहीं जाएगा. लेकिन अगर लोग कह रहे हैं जी नहीं करेंगे, करके दिखाएंगे. एग्रीकल्चर में हमने सुना है कि जी इतना काम हो रहा है, ये पानी आ गया है, यहाँ टेक्नोलॉजी पे कर रहे हैं, एक कंपनी बन गई, बट देयर इज नो इन्फॉर्मेशन इन द पब्लिक. अच्छा, जो ये इन्फॉर्मेशन डोमेन में मैं पर्टिकुलरली समझता हूँ कि पार्शली आई एग्री. जी, वो पार्शल एग्रीमेंट मेरी यही है कि एक वैक्यूम मौजूद है जिसमें इन्फॉर्मेशन इज देयर, लेकिन वो फिल इन नहीं हो रहा. बिल्कुल, बेशक. अच्छा, वो जो फिल इन नहीं हो रहा उसमें जो करंट केयरटेकर गवर्नमेंट है, दे आर कमिंग अप विद अ प्लान, ओवरऑल प्लान ऑफ इन्फॉर्मेशन डोमेन, जिसमें हमारे टैक्सेशन कल्चर के हवाले से, जिसमें हमारे SIFC के इनिशिएटिव के हवाले से, जिसमें हमारे कुछ स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं, वी नीड टू प्रोवाइड information so that it can kill rumors on its own. ठीक है जी. अच्छा, बस अभी टाइम कम है और मुकाबला सख्त है, तो लॉट ऑफ क्वेश्चंस. ये बताइएगा कि नासिर खोसा साहब की रिपोर्ट थी ऑन यू नो हाउ ऑन सेविंग्स, किस तरह से आप बचत करें, ऑस्टेरिटी रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट आई उसका कुछ भी नहीं बना. अब बहुत बात हो रही है कि जी लोग मर रहे हैं महंगाई से और एक वावेला मची हुई है, लेकिन UNDP की रिपोर्ट है जिसमें दे आर सेइंग पता नहीं 16-17 बिलियन डॉलर्स अ ईयर इज गिवन टू द प्रिविलेज पीपल ऑफ दिस कंट्री. उसका मुझे आप बताएं क्या करें, ये सब बड़ा क्रिटिकल है, इसका क्या कर रहे हैं आप? देखें, इस हद तक तो हम बिल्कुल कन्विंस हैं कि गवर्नमेंट में एक्सपेंडिचर को रैशनलाइज करना और रेवेन्यू जनरेशन उसको बढ़ाना, ठीक, अगर इन दोनों को हम बैलेंस नहीं करते गए तो हमारा ओवरऑल जो इकोनॉमिक वाइबिलिटी है ऑफ द स्टेट वो उसको एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की तरफ हम जाएंगे. एक्सपेंडिचर के पार्ट पे हम पहले 2 या 4 दिनों में हमारी इंस्ट्रक्शंस चली गई हैं कि देर इज़ नो नीड टू क्रिएट अ न्यू व्हील. जितना पुराना काम हुआ है हम उनको, हम डायरेक्टिव्स हमारे चले गई हैं कि जहाँ जहाँ एक्सपेंडिचर को रैशनलाइज करने के लिए जितना काम हुआ है पहले तो उनको
भी एक टास्क फोर्स के हवाले हम करेंगे, और साइज ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट एंड साइज ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ भी हम कम्युनिकेशन में हैं कि हमें इसकी रेशनलाइजेशन की तरफ जाना होगा, हमें अपना जो पेंशन फंड्स है उनको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा किस अंदाज में हम उसको मैनेज करें जी, जी। और इससे जुड़े हुए चंद और मसाइल हैं, इस पे भी आपको यहाँ पर एड्रेस करेंगे इसको ड्यूरिंग, हम ऑलरेडी इस पे वी हैव इनिशिएटेड पेंशन वाले मामले पे भी, बिकॉज दैट्स ह्यूज। लेकिन आपने इसका नहीं जवाब दिया, क्योंकि जो खोसा साहब की रिपोर्ट है वो तो सामने, आई एम श्योर यू सीन इट, उसमें मतलब वो लेजिस्लेटिव चेंजेस तो नहीं चाहिए उसमें? आई हैव पर्सनली नॉट सीन इट, बट आई हैव पास्ड द डायरेक्टिव्स टू माय सेक्रेटेरिएट कि इस सिलसिले में जितना भी काम हुआ है वो टास्क फोर्स के हवाले किया जाए, वो डिलिब्रेशन करे। आपने टास्क फोर्स बनाई ऑन ऑस्टेरिटी? यस, कौन हेड कर रहे हैं उसको? उसको फाइनेंस मिनिस्टर कर रही है ऑस्टेरिटी। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रखते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ के जेकब प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ़ रखते हैं, गुफ्तगू जारी रखते हैं उनसे। अच्छा प्राइम मिनिस्टर साहब, मुझे लगता है कि लोग कह रहे होंगे ये सवाल ऐसे करें कि एज इफ ही इज़ हियर फॉर एवर, तो अब ये बताएं कि ये जो मामलात पे आपने बात की है ये इसको फॉलो अप कैसे होगा? अभी तो आप लोग इंशाल्लाह 2-3 महीने में चले जाएंगे। देखें जी, हमारा एक तो मुतमईन नज़र जो था या एजेंडा था वो ये था कि we will try to make the right decision instead of popular decision. ठीक ठीक। दूसरा ज़ाहिर है वक्त की limitation है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारी कोशिश ये है कि हम कोई foundation लेकर दें। अच्छा ठीक। जो भी future mandated government हो वो इस foundation से अगर फ़ायदा उठाना चाहती है तो उठाएं, और अगर नहीं उठाना चाहती है तो फिर let the people of Pakistan decide about their political future. ठीक है, okay। Election date, अब मुझे मालूम है आप कहेंगे जी election commission करेगा और ये, वैसे प्रेसिडेंट साहब के बारे में आपका क्या है? वो जो कह रहे हैं कि जी मुझे आईन कहता है कि जब तक अग्री प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होते, यू आर विद दैट व्यू एंड यू अग्री विद दैट व्यू? ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनली कह रहे हैं, और मुझे उसकी लीगल इंटरप्रिटेशन जो है मैंने किसी से कंसल्ट नहीं किया, लेकिन हाँ ये मुझे लगता है कि पोस्ट 18th अमेंडमेंट ये इंक्लूड किया गया है कि ही हैज टू कंटिन्यू in the office till the new incumbent comes. अच्छा, अब new कब आ रही है? इलेक्शन डेट का कुछ तो बताएं, कुछ अंदाजा है? आप ये कहेंगे बहसियत के जाकर प्राइम मिनिस्टर के इससे आगे नहीं जा सकती? देखिए, मैं अगर मुझे कोई ये कहे ना कि ये मैं कहूँ, तो बुनियादी तौर पर मुझे ये कह रहे हैं कि गैर कानूनी काम का। नहीं, मैं वैसे कानून कानून के तहत अगर कवानीन की बात है, अगर आईन की बात है, ये अभी 2 महीने पहले यहाँ ये लेजिस्लेशन हुई है और इसमें पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें मौजूद थी, उन्होंने ये इख्तियार ट्रांसफर कर दिया टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान विच इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वो कल करें परसों करें, वी आर बाउंड बाय। ओके, तो मुझे ये बताएं कि अगर इलेक्शन कमीशन, मेरे मुंह में खाक, अगर इलेक्शन कमीशन ये कहे कि जी 2 साल तक आप इधर बैठे रहें, तो आप नहीं, आई वांट टू आस्क यू पर्सनली, आईन को रखते हुए आप क्या फिर 2 साल तक रह रहे? देखिए, पहले तो मुझे ऐसे अनरीजनेबल टाइमलाइन नजर नहीं आती। ठीक है, ठीक है, मुझे ये जरूर नजर आता है कि वो जो भी करेंगे दैट वुड बी अपील टू कॉमन सेंस, और पाकिस्तान के लोग उसको तस्लीम करेंगे कि हाँ ये टाइमलाइन दुरुस्त है। अभी तक तो जो टाइमलाइन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, वो तो फरवरी है ना जी? नहीं, मुझे फरवरी का भी नहीं पता। आपको नहीं पता फरवरी का? अच्छा, और जो अगले इलेक्शंस होने हैं उसके सेनेट के, वो मार्च में होने हैं जी, वो तो आप फोरसी करते हैं ऐसी सिचुएशन के मार्च से भी आगे चले जाए? नहीं, मेरी तो अपनी असेसमेंट ये है कि उससे पहले होने चाहिए, ताकि इलेक्टोरल कॉलेज जो रिमेनिंग वैकेंसीज हैं ऑफ द सेनेट, व्हिच इज हाफ ऑफ द सेनेट, दैट नीड्स टू बी फिल्ड इन। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि एक और मामले पे आए, बिकॉज आपने इकॉनमी वगैरह की तफसील में बात कर ली। मामला है मई नौ का, उस पर हम सुनते हैं आपकी भी बात, उससे पहले भी हम सुनते रहे, और मतलब आई डोंट वॉन्ट टू
स्पेंड एनी टाइम सिंह के कितना वो गलत था, इसमें तो कोई डिबेट ही नहीं है ना। तो एक उसमें आर्मी का एस्पेक्ट था, और बड़ी अच्छी बात है, ज़बरदस्त बात है जो डी जी आई इस पे आने की, 140-45 जितने थे उनको आर्मी इज टैकलिंग देम द वे द आर्मी लॉ सेज, आर्मी रूल से। अब आप सिविलियंस की तरफ आ जाएं, मुझे ये बताएं कि आप बहसियत के जेके प्राइम मिनिस्टर के, आपके जहन में ऐसी बात आती है कि पाकिस्तान के अंदर एक हीलिंग टच की ज़रूरत है? आपको ये ख्याल आता है कि जो लड़ाई झगड़े जैसे इमरान खान साहब अपने दौर में करते थे कि हर एक से कुट्टी किए हुए थे, हम उनसे भी ये रेज करते थे कि ये तो मुल्क नहीं चलता ऐसे कि आप किसी एक साइड को कह दें, चाहे सियासत की बिना पर, चाहे एथनिसिटी की बिना पर, किसी पे। तो जो पीटीआई की ब्लंडर्स थे, जो गलत थे, जहाँ एविडेंस है उस पर एक्शन लेना अपनी जगह, लेकिन इस तरीके से आप जो लोग अभी बंद हैं अंदर, जो जेलों में हैं, और हम बार बार इस पे बात करते हैं कि जी जो एविडेंस है, एविडेंस पे आप एक्शन लें, लेकिन इतने इतने 125 दिन हो गए लोग अंदर बंद हैं, व्हाट वुड यू से जो पावर्स दैट बी, और जहां आप लोग बैठ के इन चीज़ों पे बात करते हैं, आपको ये ख्याल आता है काकर साहब के कहें कि जी एक जनरल एमनेस्टी दें, मुल्क तो आगे चले? और क्योंकि जो पूरी विजन है SIFC की भी और किसी भी इकोनॉमिक प्रोग्रेस की, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और साथ मिलने के चलने के अलावा तो नहीं हो सकती। आई वॉन्ट योर कॉमेंट्स ऑन दिस। देखें जी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वो, या सोशल स्टेबिलिटी या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये मेरी, अगेन दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, इट कम्स विद सेंस ऑफ जस्टिस। और जस्टिस जो है ना, इट इज नॉट ऑलवेज रिवॉल्व अराउंड द आइडिया ऑफ एमिनिसिटी। Not always. Of course, but हम बात ही कर रहे हैं। अच्छा, हमें जो हमारा एक बिहेवियर है towards political behavior, it's a subject in the political science also. क्या हम वेंडलिज्म को, आर्सन को एक नॉर्मल डेमोक्रेटिक प्रोसेस के साथ जेल इन करके उसको एक्सेप्टेबिलिटी देंगे? दिस इज वन। अगर हम ये देना चाहते हैं तो हमें एक डिफरेंट अप्रोच की तरफ जाना। अच्छा, आज क्वेश्चन होगा एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी के, लेट्स से PTI। कल को ये जब मॉर्फ होगा टुवर्ड्स JUI, टुवर्ड्स PMLN, टुवर्ड्स PPP, या बलोच कॉम्परस पार्टियां हैं, पश्तून कॉम्परस पार्टियां हैं, तो फिर शायद अप्रोच लोगों की बड़ी डिफरेंट हो। हमें एक कॉमन प्रिंसिपल की तरफ अग्री करना होगा कि सोसाइटी में और स्टेट में किन पॉलिटिकल बिहेवियर्स की इजाज़त है जहाँ पे हम अपनी जमहूरियत में भी पनप सकें, और जो पर्टिनेंट क्वेश्चंस हैं जिसको हमें रेज करना चाहिए, जहाँ पे हमें क्रिटिसिज्म करनी चाहिए, जहाँ हमें बिहेवियर को अल्टर, स्टेट के बिहेवियर को अल्टर करना चाहिए। ये दो क्वेश्चंस बुनियादी तौर पे। दूसरा ये है कि एक ग्रोह उठे और वो कहे कि मैंने बाकी रियासत के जो इदारे हैं उनको कॉन्कर करना है, मैं अलेक्जेंडर द ग्रेट हूँ और मैंने कॉन्कर करना है। जब भी कॉन्कर करने की अप्रोच अप्लाई की गई है, यू गेट डिफीटेड। ठीक है, तो बेहतर ये है कि सियासत का काम है टू इंस्पायर, टू लीड। जी जी जी। तो पॉलिटिकल क्लास को अपने रोल में वापस आना होगा, लेट देम इंस्पायर, लेट देम लीड। एथिकली किसी की जरूरत नहीं होगी कि उनको फ्लाउट कर सके, डिफाई कर सके। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं दोनों चीज़ें जो आपने भी फरमाई, एक तो बात यह कि दूर की बात तो नहीं है कि आपको मालूम है कि जहां हम बैठे हैं उसके इर्द गिर्द गेट्स लगे हैं, 5 सेट्स ऑफ गेट्स हैं, ताकि कोर्ट के सामने और इन इलाकों के रेड जोन में कोई ना आए। JUI के हजारों हजारों की तादाद में लोग आए, अभी 3-4 महीने भी नहीं हुए, वो टाप करके आए, उनको किसी ने कुछ कहा नहीं, एक से मैं तो वो उनको कुछ नहीं कहा। MQM ने इतना कुछ किया, वो वापस गवर्नमेंट में आए, मतलब कि और क्या क्या नहीं हुआ, किस किस ने ब्लंडर्स नहीं किए, मुल्क टूटा, ये कुछ हुआ तो। और आप बलोच लीडर्स को देखें, जिनको जियाउल हक साहब ने बाहर भेजा, फिर वापस भी उनको लेके आए, तो कौमें क्राइसिस से गुजरती हैं, मामलात होते हैं, लेकिन एक लार्जर गुड स्टेबिलिटी और उसके लिए आप आगे भी बढ़ते हैं हमेशा। इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन कि आप जीरो सम पे जाएं। तो आप तो इस वक्त एक ऐसी पोजीशन पे बैठे हैं और आप समझते भी हैं इन चीज़ों को, तो हम तो कह रहे हैं वी आर नॉट
कंसर्न्ड ऑफ बिकॉज ऑफ पार्टी ए बी सी. परफेक्ट तो कहीं नहीं होता, आप जानते हैं, यहां भी नहीं हुआ. किसने, चाहे सिविलियन रहे, चाहे मिलिट्री रही है, चाहे ब्यूरोक्रेसी, हर एक ने. तो बात यह है कि पीटीआई इज नॉट माई कंसर्न, माई कंसर्न इज पाकिस्तान. आपको लगता है कि जो खवातीन 125 दिनों से बंद है अंदर, ये आपको लगता है, और ये मैं जेंडर पे नहीं कह रही, नहीं कह रही जेंडर की वजह से, ये तो लॉ भी आपके पास है जो कहता है जी इनको बेल दो. उसके बाद 6 दफा उनकी जो बेल है, उनकी जो हेयरिंग है वो रुकी, उसके बाद उनको बुलाया और फिर उनके नए चार्जेस डाल दिए उसमें, उनके FIR में, फिर उनको उसमें रिमांड में भेज दिया. तो अगर किसी ने बम चलाया, बंदूक चलाई है, उनको 100 दफा आप टांगें लॉ के मुताबिक. लेकिन नाराबाजी, ये वो, हमने पता नहीं क्या क्या गलत चीजें की होंगी जज्बे में, क्या वो गलत हैं, दे शुड बी कंडेम्ड. 125 दिन बंद किए हैं तो ठीक है. मैं आपसे पूछ रही हूं इस ब्रॉडर उसमें जाके, आई डोंट कंडोन वायलेंस एट ऑल, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कंट्री, ये जो विजन है ना कि इसको आगे लेके चलना है. देखिए, मैं, वी हैव अ चेकर्ड हिस्ट्री, इसमें कोई शक नहीं है. और जिस तरह आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने भी धरने दिए गए, टीवी स्टेशन पे भी अटैक हुआ, पार्लियामेंट के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश की गई. देखिए, द जर्नी ऑफ 1,000 miles बिगिंस बट विद अ सिंगल स्टेप. मैं समझता हूँ हम उस जगह पे आ गए हैं, चाहे MQM थी या कोई और जमातें थी. पाकिस्तान में लोगों ने असला उठा के कत्लो गारत गरी भी की है, नारेबाजी भी की है. पाकिस्तान की स्टेट और सोसाइटी सेटल नहीं हो रही. यही तो असल सवाल है कि हमने जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस सेटल करने हैं कि इस सोसाइटी ने किस तरह आगे बढ़ना है, उसमें ये जो रीसेंट पास्ट के इवेंट्स है वो भी उसका हिस्सा है. वो जब उसको माजी की चेकर्ड हिस्ट्री को रेफरेंस के तौर पे बयान करके अपने लिए कंसेशन मांगते हैं, ये अप्रोच मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है. एक मैरिट की बुनियाद पे डिस्कोर्स जरूर होना चाहिए, डिस्कशन जरूर होनी चाहिए कि यार क्या कर, पस चिपायत कर जो इकबाल ने कहा, वो स्टेज पे शायद हम पहुंचे हैं और पहुंच चुके हैं, लेकिन नॉट रैशनलाइजिंग आवर एक्शंस. लेट्स हैव अ ओपन डिबेट अबाउट इट, और एक अग्रीमेंट की तरफ सोसाइटी को आना चाहिए कि पॉलिटिकल प्रोसेस को कैसे चलना है, डेमोक्रेसी के प्रोजेक्ट को कैसे चलना है, स्टेट इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग हमने कैसे लेकर आगे चलना है, नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट में आपके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. ये वो लार्जर डिस्कोर्स है जो जरूर होना चाहिए. देखिए, बात ये नहीं कि स्टेट इंस्टीट्यूशन में, स्टेट का इंस्टीट्यूशन मतलब आर्मी वगैरह इज वेयर यू नो, उसकी तो बिल्डिंग की क्या जरूरत है. इट्स बीन, देखिए ना, अगर इमरान खान स्टेट इंस्टीट्यूशन में वापडा भी है, जी जी नहीं, हम आई टॉक ऑफ पावर प्रॉब्लम ये आ रही है हमारे यहां कि आर्मी हैज बिकम अ सिनोनिम विद द स्टेट, which it is not. I am so glad you are saying that. It is just a strong organization within the state. But I was talking about, देखिए ना, जो आप political blunders recent past के भी कर रहे हैं, उसमें अगर जनरल फैज और जनरल बाजवा ने अगर इतना आसमान पे ना चढ़ाया होता, तो एक एवोल्यूशन होती ना एक प्रोसेस की, आप भी जानते हैं मुझसे बेहतर. कहने का मकसद ये है कि ये नहीं है कि जी, अगेन आई रिपीट 10 times, क्योंकि हमने तो, वी वर वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिक्स ऑफ PTI व्हेन इट वाज इन पावर. बात ये नहीं कि PTI क्या कह रही, बात तो ये है कि इस वक्त जिस तरीके से लोग बंद हैं, इस वक्त एक तरफ बंद हैं, दूसरी तरफ जब इलेक्शन होते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में कौन जीता है कल, PTI के जो एक बाय इलेक्शन हुआ है, उनके PTI के जो गवर्नर थे, चीफ मिनिस्टर थे, उनके वाले जीते हैं. आपने देखा बाय इलेक्शन जो हुए लोकल बॉडीज के, इन KP के, वहां भी PTI जीती. कहने का मकसद ये है कि उनकी जीत की वजह से नहीं हम कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि सोसाइटीज गो थ्रू फेजेस, देर हैज टू बी अ थॉट टूवर्ड्स ब्रॉडर एमनेस्टी विदाउट गोइंग इजी ऑन लॉ. लॉ की भी इन्फोर्समेंट इस तरह इधर क्या हो रही है, आप भी जानते हैं मुझसे. देखिए, मैं इसमें दोबारा आपको अर्ज करता हूँ, मुझे किसी भी जमात के जीतना या हारना ये मेरा मसला ही नहीं है. ये लोगों का मसला है, ये लोगों का फैसला है कि वो किस जमात के हक में वोट देते हैं या नहीं देते. मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हम बैड बिहेवियर्स को रिवॉर्ड नहीं कर सकते. जो भी हमारे, हाँ, मेरी नज़र में मसला यही आया है कि जिसने जहां खता की है उस खता को रिवॉर्ड किया गया है.
उसको एमिनिस्ट्री के नाम पे, लीनियंसी के नाम पे, अपीजमेंट के नाम पे, लार्जर गुड के नाम पे, एट टाइम्स वी कंडोन दैट. तो आप कह रहे हैं, सॉरी, आप कह रहे हैं जो बलूचिस्तान में लीडरशिप को वापस लाए जियाउल हक साहब, उन्होंने गलत किया? जी बिल्कुल गलत किया. अच्छा, आप कह रहे हैं गलत जी, बिल्कुल गलत. तो जनरल फैज ने जो किया और जनरल बाजवा ने जी बिल्कुल गलत किया, तो फिर उनको क्यों नहीं? देखिए, मैं यही कह रहा हूँ ना कि वो लार्जर क्वेश्चन जो है ना, वो हमारे अंदर वो मॉरल और एथिकल पोजिशन लेने में हम वी शाय हुए. हमारे यहाँ जो जियाउल हक साहब ने किया, एक तरफ एक डेमोक्रेटिक रिजीम है, सो कॉल्ड पीपल्स पार्टी की डिस्पेंसेशन है, वो हैदराबाद साजिश केस के हवाले से वो गलत हो सकता है, वो ठीक हो सकता है. देखिए, आपका एक लीगल निजाम मौजूद था. आज कह दिया ना कि जी, अर्ज मेरी सुन ले, वहां पर एक मिलिट्री डिक्टेटर आता है और पूरे निजाम को, जो लीगल कोर्स है उसको, वो साइड अवे कर देता है और तमाम लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा फैसला है. बेशक. तो आप या तो डिक्टेटोरियल रिजीम को सपोर्ट करें या डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन को करें. डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन में हैदराबाद साजिश केस के लोगों को चाहिए था जुडिशियल रिकोर्स मिलता और जुडिशरी उनको एग्जनरेट करती, उस प्रोसेस को वो कल्मिनेशन की तरफ ले जाते. एक फर्द अबायद आया, उसने सबको फारिग कर दिया. मेरा जो उस पर एतराज है वो ये है कि एक मिलिट्री डिक्टेटर के डिसीजन के नतीजे में उनको एमिनिस्ट्री भी मिली और उनको उनकी फरागत भी की. जो आपका जुडिशियल प्रोसेस था वो कहाँ था? वही तो बात है कि व्हेन सो मेनी प्रोसेसेस गो रॉन्ग, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है. मैं यही अर्ज कर रहा हूँ. तो उसको हम एक स्वीपिंग स्टेटमेंट के तौर पर नहीं कह सकते कि वो ठीक हुआ. मेरी नज़र में वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं हुआ. उसी लीडरशिप को ज़रूर इंसाफ मिलना चाहिए था. जो एक्यूजेशन उन पर थी उससे उनको एग्जोनरेट करना चाहिए थे, लेकिन वो एक जुडिशियल प्रोसेस के तहत होता तो ज्यादा बेहतर होता. ये मेरा मानना और मेरा कहना है. चलें फिर, हम वील ऑल वेट फॉर जस्टिस काजी फाइजी सर सब टू कम एंड टेक द प्रोसेस ऑफ जस्टिस फॉरवर्ड इन द राइट डायरेक्शन. जी, लुकिंग फॉरवर्ड, ही इज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिस कंट्री. हम तो पर्सनली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड बिकॉज ही हेल्स फ्रॉम आवर प्रोविंस. बिल्कुल, ही इज द सन ऑफ बलूचिस्तान और अ सन of someone who has been on the side of Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah. So he has a lot of expectations. There are a lot of expectation from him, and I'm sure that he's the one who would fulfill those. जी, बड़े मुश्किल वक्त काट के आ रहे हैं वो. अच्छा, लास्ट क्विक क्वेश्चन, के UNGA में आप जा रहे हैं 17 को, तो ये सवाल उठा था कि एज अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर एंड अ केयर टेकर गवर्नमेंट, कोई ज़रूरत थी कि UNGA में जाया जाए? वो हमारे PR अगर रिप्रेजेंट कर देते पाकिस्तान. देखिए, दोनों सूरतें हो सकती हैं. ऐसा कोई एसेंशियल मैं नहीं समझता हूँ कि अगर केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर नहीं जाएंगे तो कोई बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होगी. एक आपके पास ग्लोबल फोरम अवेलेबल है, अगर वहाँ आप जाएंगे तो आप अपने जो टॉकिंग पॉइंट्स हैं उनको रीट्रीट करेंगे, एक अपॉर्चुनिटी है. दूसरी तरफ ये ख्याल है कि उसको कतन मिस नहीं करना चाहिए और हाईएस्ट लेवल पे उसको फुलफिल भी करना चाहिए और जहाँ जहाँ पाकिस्तान की जो रियासती पोजीशन है उसकी एक्सप्लेनेशन भी करनी चाहिए, आर्टिकुलेशन भी करनी चाहिए. बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम मिनिस्टर साहब हमसे बात करने का. नाज़रीन, बहुत से सवाल थे, फॉरेन पॉलिसी भी बहुत करने को थे, लेकिन ये इतनी दिलचस्प गुफ्तगू रही, टाइम जस्ट फ्लू अवे. तो इंशाल्लाह जब वापस लौटेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब, तो उनसे हम फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें मौका दें. हमारी तरफ से इतना ही. खुदा हाफिज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.